नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक। एक बात, आज एक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ खबरें और भ्रम फैला हुआ है, और वो भ्रम है नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। नियोजित शिक्षक जी, बिल्कुल, ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है आपको, पोस्टिंग नहीं, ट्रांसफर होनी है बीपीएससी की भी, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की भी। लेकिन खबर निकल के और पूरी तरह से फैलाई जा रही है कि नियोजित शिक्षकों का जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होने वाला है वो दिसंबर तक नहीं होगा। सरकार की ऐसी मंशा है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग को दिसंबर से आगे ले जाए, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग को दिसंबर तक नहीं किया जाए। तो क्या यह भ्रम सही है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये स्पष्ट करूंगा कि ये भ्रम है, ये फैक्ट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। ये जो पूरा का पूरा जो भ्रम फैला है, ये भ्रम आपको इसी आपको बिहार शिक्षा विभाग के इस पत्र के आलोक में फैला है, बिल्कुल आलोक में फैला है। इसी को संदर्भित करके आपको ये पूरा का पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है, और ये ज्ञापांक आपको 149 है, 27/9/2024। तो ये है आखिर क्या? यह है अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट है आपको शिक्षकों के वेतन को लेके। इस वेतन में 4 महीने तक के वेतन की व्यवस्था कर दी गई है इस पत्र के माध्यम से, और पूरी की पूरी राशि जिला को भेजी गई है। और ये जो पूरी की पूरी राशि भेजी गई है, यूं समझिए आपको 51 अरब कुछ करोड़ रुपए से, यानी समझिए कि 51.5 करोड़ रुपए की बात है। अब बात है कि क्या ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो दिसंबर तक टल गया? ये जो भ्रम और है, या सरकार के मंशा पे बात उठाई जा रही है, तो क्या ऐसा है क्या? तो सीधे शब्दों में कहा जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ शब्दों को पकड़कर, और ये पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कही जा रही है कि दिसंबर तक ट्रांसफर और पोस्टिंग टल गया। दिसंबर तक ये पैसा 4 महीने तक भेज दिया गया, तो ये 4 महीने तक इसका मतलब है कि दिसंबर तक पैसा भेज दिया गया, इसका मतलब ये है कि 4 महीने तक तो नियोजित शिक्षक के रूप में ही वेतन पाएगा वो। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या पैसे पे लिखा है क्या कि वो नियोजित शिक्षकों का पैसा है? ये इस पत्र के कुछ शब्दों को पकड़ कर ये बात कही गई है। आइए मैं हम पत्र के माध्यम से इस बात को पुष्ट करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है, जो शिक्षक आपको सक्षमता परीक्षा दिए हैं, सक्षमता परीक्षा दिए हैं, वो आखिर है कौन? ये नियोजित शिक्षक है, और वो बहाल किससे है? स्थानीय निकाय से है, स्थानीय निकाय से है। और यही शिक्षक आपको क्या हो रहे हैं? तो आपको विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, यही विशिष्ट बनेंगे। ये विशिष्ट शिक्षक आखिर किससे कंसर्न हुए? स्थानीय निकाय के शिक्षक पूर्व में थे। तो कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का नाम लेके, अभी तो वो नियोजित ही हैं, जब तक वो पदस्थापित नहीं होंगे तो विशिष्ट नहीं बनेंगे। तो अभी तक तो हैं, जब तक नियमावली नहीं आ जा रही है, तो यही नियोजित शिक्षक कन्वर्ट होके आपको विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। तो बात यहाँ स्पष्ट हो गई कि चूंकि पहले वो स्थानीय शिक्षक थे, अब वो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, अब वो विशिष्ट शिक्षक हो गए, आगे होंगे वो। अब इसी चीज को लेके बात कही जा रही है, और पत्र के कुछ हिस्सों को पकड़ के कहा जा रहा है कि ऐसा होगा कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग दिसंबर तक टल गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ किस चीजों को पकड़ के कहा गया है। अब देखिए मैं कैसे स्पष्ट इसको करना चाहता हूं कि मेरे विचार से ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह एक भ्रम है, यह अपने आप में पूर्वाग्रह से ग्रसित होना कह सकते हैं, सब थोड़े कठिन है लग सकते हैं, लेकिन मेरे अपने विचार है। वित्तीय वर्ष 2024 विषय देखिए, ये महालेखाकार को लिखा गया है विभाग के द्वारा, और उसमें कहा गया है समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन। विषय में कहीं उस चीज का जिक्र नहीं है, नियोजित स्थानीय निकाय और इत्यादि का। आगे है, वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य मद से सहायक अनुदान के रूप में, ये सहायक अनुदान दिया जा रहा है किसको? जो लोग कार्यरत हैं आपको सर्व शिक्षा एसएससी के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, तो वो सारे के सारे लोग उस योजना के अंतर्गत आते हैं जिन लोगों का पेमेंट इसके द्वारा होता है, यानी जो लोग जिस शिक्षक का पेमेंट आपको सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत होता है। तो विषय यहाँ ये कह रहा है, इसके मतलब वो सारे शिक्षक आते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, पूर्व में बहाल शिक्षक, नियमित शिक्षक हो, वो भी आपको उससे आते थे, जो बाद में कन्वर्ट होकर आपको प्रधानाध्यापक हो गए। अब चूंकि ये आदेश जो है आपको 2 से 4 दिनों
से ये आ रहा है कि एसीएस महोदय ने क्या किया है कि पूरे साल का वेतन देने के लिए व्यवस्था को एक ही बार आवंटित करने की व्यवस्था उन्होंने की है। अभी दिख रहा है 4 महीने के लिए, जो आपको कहीं ना कहीं व्यवहार में दिख गया। अब देखते हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो हो क्या रहा है। अब देखिए जो पत्र शुरू हो रहा है ये, चूंकि ये आदेश जो है, ये विषय जो है, विषय में कहीं नियोजित की बात नहीं हो रही, आदेश स्वीकृत है। अब देखिए, पंचायती राज संस्था / नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित है को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु भुगतान का किया जाना है, क्लियर है, उनको किया जाना है। अब देखिए इस किया जाना को लेकर के सारी बातें कही गई। उसके अलावा अगर पत्र में पढ़ते हैं कहीं नहीं, उनको भी किया जाना है। इसके अलावा आप जब पत्र के अंदर जाइएगा तो कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं हो गया। आइए पूरे पत्र को नहीं पढ़ेंगे, जो मूल बातें हैं उसको देखेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि आच्छादित शिक्षकों, समग्र शिक्षा अभियान के आच्छादित शिक्षकों प्रधानाध्यापकों का, यहाँ भी वही कहा जा रहा है समग्र शिक्षा अभियान मद से, यहाँ शिक्षकों को कहीं ना कहीं यहाँ कैटेगराइज नहीं किया गया। माह अगस्त 2024 तक का भुगतान किया गया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान राज्य स्कीम यानी अंतर्गत शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान। अब ध्यान रखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान की बात को कराने हैं तो निर्देशानुसार इस मद की राशि जिलावार आवंटित की जानी है, क्लियर है। इसमें कहा गया है, आगे फिर शब्दों पे चलते हैं, संबंधित शिक्षक आवंटित या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना आवंटित राशि को संबंधित शिक्षक के खाते में हस्तांतरित किए जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत, फिर यही उसी की बात आ रही है, कार्यरत शिक्षकों, यहाँ कहीं ना कैटेगराइज किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है वो आपको होता क्या है कि वो लोग जीओबी में भी उन लोगों को मिलता है, तो यहाँ कहीं नहीं कैटेगराइज किया गया है। कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य की मद से सहायक अनुदान ये आपको 51 अरब 21 करोड़ समथिंग आपको विमुक्त का प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव स्वीकृत है। आगे के भी अगर पॉइंट्स पे हम ध्यान दें तो आगे के पॉइंट्स में भी चीजें कही जा रही है। पांचवें छठे को भी देखा जाए वहां भी आपको बात कही जा रही है। सातवें को आप देखा जाए यहां से और स्पष्ट हो रहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुनिश्चित करें कि राशि का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को विधिवत रूप से करें। यह कहीं नहीं कहा जा रहा है ऊपर की बातों को लेकर, कहीं अगर कहीं किसी भी कैटेगरी को अगर शिक्षकों की बात होती तो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा जाता है। यहाँ जितने भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन सबको इस आवंटित राशि से वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जानी है। तो ये कहानी सारी की सारी आपकी है, अब क्लियर है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं आपको कही गई है और इसी पत्र को, उस एक लाइन को आपको एक सूचना के रूप में जो दी गई है उसी को लेके सारा का सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूर्वाग्रह हम लोग हैं, तो ऐसा है नहीं, जो प्रक्रिया है शिक्षा मंत्री ने कहा, उम्मीद है कल ये चीजें आपको कैबिनेट के द्वारा पारित भी हो जाए और उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाए, क्योंकि आवंटित राशि शिक्षकों के लिए देनी है, क्योंकि हम अभी भी नियोजित शिक्षक ही हैं, अभी हमारा संवर्ग बदला नहीं। तो इन सब चीजों को देख के नहीं कहा जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि यह जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भ्रम फैलाया जा रहा है वो एक कोरा पूर्वाग्रह है। मैंने अपने अनुसार ये प्रयास किया कि इस चीजों को आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को पढ़कर हतोत्साहित हो रहे हैं और क्रोधित भी हो रहे हैं कि ऐसा क्या है। सरकार के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्रोध में भावावेश में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट है उस पे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद। जय हिंद।